डिस्क्लेमर, अगर मेरी कोई बात आपको सही नहीं लगती या इफ़ यू डोंट अग्री विद इट, आई एम सॉरी, मुझे ज़्यादा पता नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, बहुत कम लिमिटेड नॉलेज है मेरी और मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ. मे बी आई एम रॉन्ग, सो आई अपोलोजाइज. अगर आपको नजर आया कि मैंने कुछ गलत बोला है तो प्लीज़ करेक्ट मी इन द कॉमेंट सेशन, लेट मी नो. Alright guys, let's go and check out Main Atal Hoon. I think this is about like the famous politician and also Prime Minister of India, right? Right? He's been a Prime Minister, right? Atal Bihari Vajpayee. Yes, he was, yeah. The situation has gotten worse, Mr. Prime Minister. They are gradually trying to take over Kargil. Oh, he was the Prime Minister then, huh? Yadi Bharat Mata ke charanon mein lahu baha kar hi aake jaana hai, to main is pad ko grahan karne ke liye purn roop se tayar hu. हिंदुस्तानी को कश्मीर जाने के लिए परमिट चाहिए, वहाँ तिरंगा फहराना बाद है. अखिल भारतीय जनसंघ एवं ये पूरा देश धारा 370 का विरोध करता है. जनसंघ की आवाज देश तक पहुँचाने के लिए हमें संसद तक पहुँचना होगा. बलरामपुर, मैं आपसे आपकी निराशा, दुख, दर्द ये सब आपसे छीनने आया. लोकसभा में पहली बार चुन के आया हूँ. 505 सदस्यों की लोकसभा, जिनमें 403 कांग्रेस और उनके साथी, 102 प्रतिपक्ष, उसमें हम भारतीय जनसंघ के 4. और हम आशा करते हैं कि आज हमें बैलगाड़ी में आता देख सरकार ये देख पाएगी कि देश में गरीबी इस समय किस अवस्था में है. कांग्रेस को हटाना है, इंदिरा राज खत्म करना है. दलों के इस दलदल के बीच एक कमल खिलाना होगा. अरुण जेटली, मैं प्रमोद महाजन. आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है. जनाब आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए. मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए. कॉमेडियन, यहाँ नेहरू जी की पोर्ट्रेट हुआ करती थी. वो आपके विपक्षी नेता थे तो. विपक्षी तो हम थे, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे. जी, आप लगवाइए उनकी पोर्ट्रेट यहाँ. जी, हमें आज जरा भी दुख नहीं है कि एक वोट से हमारी सरकार गिर गई. सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए. अटल हूं सर. मुशर्रफ इज थ्रेटनिंग विद अ न्यूक्लियर अटैक. यदि ऐसा हुआ तो कल का सूर्योदय पड़ोसी मुल्क का सूर्यास्त होगा. Do not know what that means. Maybe there's subtitles. Hold on. Is threatening with a nuclear attack. यदि ऐसा हुआ तो कल का सूर्योदय पड़ोसी मुल्क का सूर्यास्त होगा. Oh, I see. Oh, heavy, heavy words from Prime Minister Sahab. कल का sunrise उनके लिए sunset होगा, वाला scene कर दिया. So yeah, I don't know much about politics from that time, bro. उस वक्त मैं अपनी life जी रहा था, मस्तियाँ कर रहा था, नई नई चीज़ें सीख रहा था और music सुनता था. Politics wasn't really concern of my life. I think ये होता है, age जितनी बड़ी होती रहती है इंसान की, उतना politics में घुसता रहता है, which is very telling, हाँ, which is सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा क्या होता है life में कि आप you start giving a shit about these things. I don't know, आप future का सोचते हो शायद, अपने future का, अपने बच्चों के future का या इस तरह का. I don't know, मेरे को बच्चे नहीं है. पॉइंट ये नहीं था. तो ओके, सो अटल बिहारी वाजपेयी वॉज लाइक
I think one of those people who made BJ party like a, I'm sorry, I'm trolling, BJP like a mainstream party, right? Unko scene banaya, like unka mainstream mein zara jeetne lagi, banne lagi. Jo mujhe yaad padta hai, usko kabhi negative lighting mein nahi portray kiya gaya tha. At least from what I've learned in my time in Pakistan in those days, where there was talks and you could see like communication from there and from here. I think business bhi shuru ho gaya tha Pakistan India ke beech mein. Yeah, so I don't remember much. जब ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो क्या हुआ था और क्या, बट आई रिमेम्बर देयर वाज अ रियली बैड इंसिडेंट जो हुआ था, सबको याद होगा, शायद बस जला दी गई थी और काफी लोग उसमें पेरिश हो गए थे. दैट वाज अ वन थिंग, समझौता एक्सप्रेस, राइट, समझौता एक्सप्रेस नाम था शायद. तो इट साउंड्स लाइक कि ही वाज वर्किंग टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन एंड फ्रेंडशिप एंड यू नो बीइंग नाइस टू ईच अदर. इट लुक लाइक दैट एंड देन समबडी सैबोटेज्ड इट. अब उस जमाने से लेकर अभी तक जो हमने सीखा है, इंटरनेट की दुनिया उस वक्त नई थी और अब काफी पुरानी हो चुकी है. नाउ देयर इज freedom of information, so much of it, it's out there, anybody who wants to know something can, you know, see the facts. Probably Pakistan ki taraf se issue aage nahi bada, ya probably India ki taraf se nahi bada wo issue aage, who knows, how can we know, how can we tell, nobody knows. There might be people who don't want things to get better between Pakistan and India in both countries. Dono countries mein ye wala mindset hoga logo ka, nahi dosti wosti nahi karni hai hame. To ऐसे हैं लोग, दोनों हैं, तभी टकराव है आज तक. अगर दोनों साइड पे ऐसे लोग नहीं होते, कि दोनों साइड्स के जो सेन लोग हैं वो इस तरह के साइकोस को बंद करके रखें या पीछे करके रखें, तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकें. बट हाईली अनलाइकली. बट या सो इट लुक्स लाइक ही ट्राइड टू इनिशिएट दैट एंड देन इट गॉट सैबोटेज्ड एंड सैबोटेज्ड रियली बैडली. हु डिड इट वी डोंट नो, बट व्हाटएवर हैपेंड वाज हॉरिबल. एंड देन इसी तरह की एग्जांपल्स और कितनी सारी हैं. पुलवामा में जो अटैक हुआ था, दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ लाइक जो अच्छे होने की बात भी सोच रहा होगा ना, वो नहीं सोचेगा कि रिलेशंस तो अब खराब ही रहेंगे. देखो क्या हो रहा है, दोनों साइड्स पे इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं बहुत ज्यादा, और दोनों साइड पे होते हैं. लेट्स जस्ट अग्री टू दैट फैक्ट. दोनों साइड्स पे फरिश्ते नहीं है दोनों में से किसी के पास भी. सिर्फ ना तो इंडियन साइड पे फरिश्ते बैठे हैं अच्छे अच्छे अल्लामिया की गायें सारे के सारे, कि हम तो किसी को कभी कुछ बुरा नहीं कर सकते. बट या दिस काइंड ऑफ डाइव्स इनटू मोर एज अ बायोग्राफी. इट लुक्स गुड. आई डोंट नो इफ इट हैज अ पॉलिटिकल एंगल. इट माइट नॉट. आई रियली कैन टेल बाय द ट्रेलर. It feels like it doesn't. It tries to stay on the positive side, and but then again, आजकल की जो ये पार्टी है उसका कुछ पता नहीं. Yeah, so it was interesting to watch for sure. I might watch the movie too on some OTT platform when it comes out. Yeah, we'll see.